सेंट्रल मिशिगन यूनिवर्सिटी में दो मृत बड़े पर संदेह रिपोर्ट। माउंट प्लेसेंट के ट्विटर अकाउंट के अनुसार संदिग्ध था। एक 19 वर्षीय पुरुष को सशस्त्र और खतरनाक माना जाता था। शुक्रवार को सेंट्रल मिशिगन यूनिवर्सिटी में एक छात्रावास में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और पुलिस एक संदिग्ध के लिए शिकार कर रही थी। डेट्रॉइट फ्री प्रेस के मुताबिक माउंट प्लेसेंट के ट्विटर अकाउंट के अनुसार संदिग्ध था। एक 19 वर्षीय पुरुष को सशस्त्र और खतरनाक माना जाता था। राज्य पुलिस अधिकारियों ने टिप्पणी की मांग करने के लिए तुरंत जवाब नहीं दिया। विश्वविद्यालय डेट्रॉइट के पश्चिम उत्तर से करीब 125 मील 200 किलोमीटर स्थित ने ट्विटर पर कहा था कि कैंपबेल हॉल में गोलीबारी के शॉट्स की खबरें थीं। फ्लोरिडा हाईस्कूल में 17 छात्रों और शिक्षकों की हत्या के बाद इस घटना के दो सप्ताह आए थे। एक विश्वविद्यालय के पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की है कि विभाग स्थिति की निगरानी कर रहा था लेकिन अतिरिक्त विवरण देने से इनकार कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका शराब तंबाकू आग्रे अस्त्रों और विस्फोटक ब्यूरो ने ट्विटर पर कहा कि यह सहायता के लिए विशेष एजेंट भेज रहा था। कॉलेज की वेबसाइट के मुताबिक सेंट्रल मिशिगन विश्वविद्यालय एक 4 साल की सार्वजनिक संस्था है जिसमें 23,000 सेकेंड अधिक छात्र नामांकित हैं।